कोई है आपके साथ आपकी मदद करने के लिए। उठो घबराओ मत। माइनॉरिटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा। हमारे आदमी को टैग है, हमें पता है कौन आता है कौन जाता है। की तरफ से भी इनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारी तंजीम नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब और माइनॉरिटी मोर्चा के जेंट के यूटी के प्रभारी भी हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज साहब जो हमारा सारा कुछ देख रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी सबसे बड़ा या एनसीओ से कुछ जाएंगे ताक में से तो है भारतीय जनता पार्टी ताक में से कोर ऐसे बिना मुकाबला कोर ताक में से साथियों बने तो चाहिए इसे उत्तर इलेक्शन ओस पांच स्टेट में जोनस सोरस स्टेट में जोनस फर्स्ट टाइम चाहिए या हिस्ट्री चाहिए यूपी में कोई भी फिर भारतीय जनता पार्टी ये गवर्नमेंट आई है फर्स्ट टाइम चाहिए ये था कि मैं अगर पूरे हिंदुस्तान के कुछ ग्राउंड लेवल के लोग थी करीब बात से तिमन आवन समझ इसको पार्टी पर से राउंड इसको पार्टी पर से वोट पकड़ा हो गरीब की पार्टी से गरीब इतनी भी पार्टियां थी ये बोलते थे अब तो वो बात गई अब यहाँ इनकी सरकार अब नहीं आएगी। योगी साहब ने ये किया मगर कल उन्हें दिखाकर लोगों ने कि यहाँ कौन सी पार्टी है। अगर यहाँ पार्टी है वो वाहिद पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम निर देंगे ये महाजन खोल देंगे और सच बात को उनके सामने लाएंगे। मांगते क्या है यहां से? कल तक ये सोच रहे थे कि नहीं अगर ऊंट इस कमेटी का बदल गया तो हम आजाद के साथ कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। आज पता चला कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी फिर दमदार है और अब नए प्लान बनाने शुरू करने शुरू किए। बिल्कुल हम तो ओरिजिनल बीजेपी थे। अरे कहां थे आप? ये किसको धोखा दे रहे हो? किन लोगों को धोखा दे रहे हो? ये ठेकेदारी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह और रहमान इसका जनाजा हम निकालेंगे। क्या आप लोग इसके साथ हो? किस ठेकेदारी कॉन्फ्रेंस क्या आप लोग इसके साथ हो? अरे हाथ आया मैं तो और इसी तरह कुमतों को भी जो अभी तक वो चुपके बैठे हैं अब खरगोशी की तरह वो भी चहल पहल शुरू करेंगे। देखिए कहीं दाना वाना तो नहीं मिला। पहले पता करेंगे कि हाँ वहां जाना है कि नहीं जाना है क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं। हम आज यहाँ इन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि देखो भाई दो पॉलिसियां मत रखो, एक पॉलिसी ओपन नहीं रखो, कश्मीरी कौम का मजीद धोखा नहीं लगेगा। ये 3 साल कभी वापस नहीं आएगा। क्यों लोगों को बहकाते हो? क्यों लोगों को धोखा देते हो? और क्या यहाँ और कोई खून खराबा करना चाहते हो? क्या लोगों से आप वोट इसीलिए मांग रहे हो कि आप 370 वापस आएंगे? ये तो डे ड्रीम है। डे ड्रीम समझते हो? जो कोई दिन में ख्वाब देखता है ना वही ख्वाब ही देखते हैं। मैं आपको एक तजुर्बा बताऊं, हमारी पॉलिसी में कुछ चीजें आपने देखी। यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलती, यहाँ अकरबा करवरी नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती, यहाँ दोस्ती नहीं चलती, यहाँ उसूल के फैसले होते हैं, कानून के तहत फैसले होते हैं। और हम किसी चीज को सराहना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही मचाया है, यहाँ एक्यूट वायरस किया है, इन्फेक्शन किया है, उसका एंटीबायोटिक भारतीय जनता पार्टी बन गई है। एंटीबायोटिक चल रहा है, चाहे 6 महीने 7 महीने 8 महीने इंतजार करो साथियों। ये 7 महीने के बाद ढूंढने के हमारा जगह कहाँ है, लेकिन जगह नहीं मिलेगा। आप लोग इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि ये कश्मीरी बेचारा एक सीधा साधा इंसान था। ये एक बेचारा एक सीधा साधा फेरन पहने वाला आदमी था। इधर इधर की करे, इन्होंने हमेशा अपना राज चलाया, खानदानी राज चलाया। शेख साहब मर गया, फारूक साहब को प्रोजेक्ट,
फारूक साहब मरने के लायक, उमर साहब का प्रोजेक्ट, मुफ्ती साहब मर गया महबूब जी प्रोजेक्ट, महबूब जी जिंदा है उसका भाई प्रोजेक्ट, ये खानदानी राज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की पार्टी है, ये गरीब लोगों की पार्टी है। आप देखो जिस पार्टी में एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, उस पार्टी में मजीद का बेटा क्यों नहीं बनेगा, उस पार्टी में सुनील सिंह का बेटा क्यों नहीं बनेगा, उस पार्टी में राजनाथ सिंह का बेटा क्यों नहीं बनेगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में चलेगा, मेंबर भी खुद ही है, एमएलए भी खुद ही है, इसलिए इनको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रांग पार्टी उभर रही है, जिस पार्टी के पास 19 करोड़ मेंबरशिप है। ये इसी चीज से परेशान है, हम कैसे इसको तोड़े, हम कैसे इसको लूटे। लेकिन हम लूटने देंगे ना हम लूटेंगे, ना हम खाने देंगे ना हम खाएंगे, ये वादा है भारतीय जनता पार्टी। हरकत है, बुजलाना हरकत है, एक गई और आवाम को सताने की साजिश है। हम इस साजिश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हम इनको कभी कामयाब होने नहीं देंगे। तमाम सरपंच और पंचों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो सब लोग आराम से बैठें, कि जो आज यहाँ स्थिति हो रही है उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, उस टारगेट को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि कल से ही हमने आईजी डीजी और यहाँ के शासन को पूरा उनसे बात करने के बाद हमने उनको ये कहा कि जो जितने भी यहाँ हमारे पंच सरपंच हैं, जो थर्ड सिस्टम जो यहाँ चल रहा है उनको सिक्योर किया जाए, उन सबों को सिक्योर किया जाए, क्योंकि इस चीज़ से हम अपने हौसले पसमंदा नहीं करेंगे। जो हमारा मॉड्यू है, जो हमारा मिशन है, उस मिशन में कोई दरार नहीं पड़ेगा, ना हम दरार पड़ने देंगे। सर, मैं जानने की कोशिश करूंगा, यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाने के जो बनाने वाला जो है, वो कल तक बीजेपी के साथ दामन से दामन मिलाया हुआ था। अगर हम पीडीपी की बात करें, कल तक आप एक गठजोड़ हुकूमत थी, आज उन्हीं लोगों को आप टारगेट बना रहे हैं। आप उसमें नहीं थे जी। 1988 में राजू फौजी चल रहा था, मास्टर मोहम्मद यूसुफ अरुणाचल से लड़ रहा था इलेक्शन, उसने इलेक्शन जीत लिया, जीतने के बाद राजू फौजी ने हारा और उसी मास्टर मोहम्मद यूसुफ को सही सलाहुद्दीन बनाया, जब वो पार चला गया वही सलाहुद्दीन बन गया। इसलिए मैं उन ताकतों को आज फिर एक बार चेतावनी दे रहा हूँ कि वो बाज आए, यहाँ कश्मीरी कोई और आवाम को इस्तेमाल न करें, क्योंकि आज टाइम आया है, हालात चेंज हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ मैदान हमवार हो रहा है। आज हर एक कश्मीरी उजागर है कि हम कैसे आगे बढ़ना है और हमें कश्मीर को एक नया कश्मीर कैसे बनाना है। वो जमाना गुजर गया, ये 88 नहीं है, आज ये 2022 है। इलेक्शन की बात करें तो यूपी के इलेक्शन के बाद ये आफा थी कि फौरन यहाँ पे भी इलेक्शन का बिगुल बजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा है। सब गलत आ गया है जी। अभी साल पूरा नहीं हुआ है, इस साल में इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इलेक्शन हो जाएंगे, आप चिंता मत करो, यहाँ का वातावरण भी ठीक हो जाएगा और यहाँ के हालात भी ठीक हो जाएंगे, हर एक नागरिक को अपना टाइम मिलेगा। और अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुँच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें।